कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक फिर से एक बार लॉकडाउन कर दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी वाराणसी ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं शनिवार और रविवार को भी शहर में दुकानें बंद रहीं, साथ ही साथ सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाहर घूमने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी भीड़भाड़ वाली जगहों पर निरीक्षण कर रहे हैं। हॉटस्पॉट इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही बिना कामकाज के बाहर घूमने वालों को पुलिस वापस घर भेज रही है। इसी संदर्भ में सुप्रिंट टीम समाचार की टीम ने वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बसनी में तैनात कर्मठ पुलिस कर्मचारियों से खास बातचीत की। पेश है सुप्रिंट टीम संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ रितेश तिवारी, आप देख रहे हैं सुप्रिंट टीम समाचार। सुप्रिंट टीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में 3 दिन के लॉकडाउन के बाद आज दूसरा चरण है, जहां पर हम मौजूद हैं वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत में बड़ा गांव थाने के अंतर्गत में, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर नाकाबंदी करके, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा यहां पर दिखाएं किस तरीके से नाकाबंदी करके लोगों से पूछताछ की जा रही है और सख्ती से पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दूर दराज से आप देखें कि सड़कों पर एकाका गाड़ी इमरजेंसी के लिए ही दिख रही है। बड़ी ही सख्ती से बड़ा गांव थाना क्षेत्र पालन करा रहा है लॉकडाउन का। ऐसे में यहाँ पर दरोगा जी हैं, दरोगा जी से जानते हैं कि अब तक कितने केसेस कुछ पकड़े गए या जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे कुछ ऐसा हुआ है या नहीं। सर, अब तक जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया है सख्ती से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? देखिए, हम लोग सुबह 9 बजे से लगे हैं, अभी तो जो है काफ़ी कठिन परिश्रम के बावजूद भी जो है जो अनावश्यक घूमने घूमने फिरने आ रहे हैं लोगों पर अकाउंट डिजास्टर की कार्रवाई भी की जा रही है और सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। और पब्लिक का माना जाए सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों को समर्थन मिल रहा है क्या? हाँ, पब्लिक को जो है सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को जो है कि सख्ती से पालन कराया जाए, अनावश्यक कोई घूम घाम रहे हैं तो उनको जो है उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और आप लोगों की सुविधा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्या सरकार द्वारा? कुछ ऐसे अभी उस तरह का भी कोई नॉलेज नहीं आया है। लोग जो है कि सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, बाकी जो अब ड्यूटी चल रही है कोई उस तरह इंतजाम नहीं है, कोई अभी तक इंतजाम इस तरीके से नहीं किया गया है। हाँ, ऐसे में हम जानना चाहेंगे अभी तक एक आंकड़ा बता सकते हैं आप, कितने केसेस अब तक ये पकड़े गए या जो उल्लंघन कर रहे थे? कम से कम 4-5 केसेस ऐसे आए हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको हिदायत पर छोड़ा जा रहा है और मास्क जो है अवेलेबल कराया जा गया है वहाँ दुकान से, जो नहीं पहने हुए हैं उनको दिया जा रहा है। पुलिस बड़ी सरगर्मी से लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने में लगी हुई है। धूप में खड़े तपते जगह पे यहाँ मौजूद हो करके भी लोगों का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मास्क लगा के निकलें और जब अनावश्यक ना निकलें, आवश्यक हो तभी निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक तिवारी के साथ रितेश तिवारी।